Hey guys, Assalamualaikum. It's Ifra here and welcome back to my YouTube channel. So I'm super excited yet थोड़ी सी nervous about this video as well because I'm gonna be dyeing my hair. So yeah, I thought कि सब कुछ शुरू से film करूँ मैं आप लोगों को जब मैं hair अभी मैं hair color लेने जा रही हूँ buy the bleach, the developer, everything and yeah let's go. Guys, the damage has been done. I've bought the color. अब तो कुछ नहीं हो सकता. अब मुझे dye करने पड़ेंगे वरना everybody will kill me. Okay guys, so we're gonna go ahead with dyeing my बाल. तो I thought कि मैं पहले सब चीज़ों के बारे में आके बता दूँ कि ये क्या चीज़ मैंने ली है और कितने की ली है. एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज हो सकता है मेरे बाल ख़राब हो जाए. सो फिर आपको पता चल जाएगा कि यू शुडेंट बाई दीज प्रोडक्ट्स. ओके, सो फर्स्टली वी हैव द हेयर कलर. ऑब्वियसली आई बॉट क्यूने का 7.77 आई थिंक. वेट यप, स्टूपिड मी. एनीवे, सो आई गॉट दिस फॉर मैं बिल भी साथ रखा हुआ ताकि मैं बता दूँ 525 रुपीज़. और आई थिंक इट विल बी इनफ क्योंकि मैंने इतने नीचे से बाल डाई करने हैं. आई डोंट नो के बिकॉज आई हैव नेवर एक्चुअली. अच्छा गाइज, एक और बात, आई हैव नेवर 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 डाइड माई हेयर, नॉट इवन लाइक थोड़ा सा बाल. आई हैव नेवर ब्लीच देम, कुछ भी मैंने जिंदगी में नहीं किया. और मैं डायरेक्ट इतना बड़ा चीज़ करने लगी हूँ, सो मैं इसको ना से ब्लेंडर करने लगी हूँ. बट आई डोंट वांट से ब्लेंडर, इतनी बड़ी चीज़ करने लगी हूँ गाइज. एनी वे, सेकेंडली ऑब्वियसली इन बालों पर जो कलर आएगा नहीं, तो आई बॉट क्यूने का ब्लीच एंड दिस इज़ 50 grams. एक और बात, इसकी क्वान्टिटी इसकी मैं बताती हूँ, लेकिन इट्स जस्ट आई फील है कि आपको इसी तरह डब्बियों में मिलता है तो यू कैन लाइक यू नो ईजिली गेट दैट. इसकी क्वान्टिटी इज़ 50 grams एंड आई गॉट दिस ब्लीच फॉर 295 rupees. फॉर दोज पीपल हु डू डाई देयर बाल, उनको ये बात पहले ही पता होगी, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर पीपल हु आर नूब्स आर डाइंग देयर हेयर. सो बेसिकली आप ब्लीच जो है इट्स लाइक ये पाउडर फॉर्म है एंड यू नीड टू मिक्स डिवेलपर इन इट बालों में लगाने के लिए. और ये हेयर कलर भी इसमें गाइज सिर्फ बेसिकली हेयर कलर लगाने के लिए भी आपको डिवेलपर चाहिए होता है, और इस वाली डब्बी में डिवेलपर नहीं है, तो वो भी मैंने अलहदा से लिया है. सो आई बॉट डिवेलपर जो कि 40 volume का है एंड यू कैन सी इट हेयर. एंड आई गॉट दिस फॉर 165 का, आई थिंक एक बॉटल है. एंड आई गॉट 3 ऑफ इट, एक तो हेयर कलर के लिए और आई गॉट एक ब्लीच के लिए एक्स्ट्रा बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितनी क्वान्टिटी डलेगी, बट आई कीप यू गाइज अपडेटेड. सो आई थिंक आई शुड गो एंड गेट माई हेयर डाइड. आखिरी दफ़ा देख लें, होप आई डोंट रिग्रेट दिस, विश मी लक, लेट्स गो. ओके, सो द फर्स्ट प्रोसेस वॉज द ब्लीच. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लीच हो रहा है. एंड अ बिग शाउट आउट एंड थैंक्स टू माई चाची जिन्होंने ब्लीच किया है. एंड इमीना हेल्प, मेरी मामा ने हेल्प की, अनिका ने हेल्प की, सब ने हेल्प की एंड इस तरह मेरे बाल डाए हुए हैं. एंड आई एम एक्चुअली सो लकी दैट आई हैव पीपल अराउंड मी दैट कैन हेल्प मी विद इस तरह की चीज़ें, वरना आई डोंट नो वट आई वुड हैव डन इफ इट वॉज ओनली मी. सो या यू कैन जस्ट चेक आउट, ये सारा फास्ट फॉरवर्ड आप कर सकते हो आके अगर आपने देखने है. यहाँ पर सारा ब्लीच अप्लाई होगा, उसको आई विल वॉश इट ऑफ एंड फिर हेयर कलर अप्लाई होगा. सो या इस हालत के लिए, बट आप ऐसे ही लगते हो. एंड या आई एम सिटिंग इन एक रूम, दिस इज़ द गेस्ट रूम. एनी वे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. द पॉइंट इज़ ये कि किस तरह अभी मेरे बालों पे हेयर कलर लगा हुए हैं एंड विल वॉश इट ऑफ एंड विल सी हाउ इट लुक्स. मैं जनरली इस तरह की हालत में यहाँ बैठे हुए भी सोच रही थी कि किस तरह अगर आप ये 2 साल पुरानी इफ्रा को बताते कि उसने अपने बालों को ये कर देना है, वो कभी भी ना मानती. एंड आई वुड हैव बीन ट्रॉमाटाइज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बट आई एम सो ग्लैड आई डिड दिस. लाइक they may turn out really bad but I'm still so glad. One eternity later.
वीडियो गाइज, और ये पार्ट फिल्म करने के लिए आई बीन वेटिंग इतने घंटों से, और अब मेरे बालों को कुछ बचा भी नहीं ह्यूमिडिटी की वजह से। एनीवे मेरी लाइट चली गई थी, रैंडम इन्फॉर्मेशन गाइज। एनीवे सो आई वुड लाइक टू टेल यू एक दो टिप्स एंड एक दो चीज़ें दैट वेंट रॉन्ग विद माई हेयर्स, दैट इफ यू गाइज डिसाइड टू फॉलो दिस ट्यूटोरियल सो यू कैन डू इट एंड मे बी लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। बेसिकली सीन ये हुआ था, जब मैंने ब्लीच किया एज यू कैन सी मैंने बालों को कितना ज़्यादा सेक्शन किया है, तो तब तो इट वर्क आउट रियली फाइन। लेकिन जब आई वॉज कलरिंग माई बाल, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है यू कैन सी, ये वाला पार्ट जो जहाँ पे एग्जैक्टली पोनीज थी वहाँ पे फिर भी लाइक एक कलर नहीं आया था और ऑरेंजिश टेन सा रह गया था। आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट फोटो ऑफ दैट, बट आई विल बी पुटिंग अप एक फोटो यहाँ पे। यू कैन सी आपको कोनों पे ऑरेंज नजर आते हैं। दिस इज हाउ माई हेयर लुक्ड आफ्टर द फर्स्ट वॉश। इसके बाद जो ये वाले सारे पार्ट है इस पर एक दफ़ा मैंने फिर से हेयर कलर अप्लाई किया था 2-3 दिन के डिस्टेंस से। आई नो यू शुडंट अप्लाई इतने थोड़े यू नो फास्टले से, यू शुड एटलीस्ट गिव 1 या 2 हफ्ते बीच में बिफोर यू डिसाइड टू री अप्लाई द हेयर कलर। लेकिन मैंने वो सिर्फ ऑरेंज वालों पे करना था, सो आई डिड दैट टू फिक्स माई हेयर। सो एज यू गाइज कैन सी, अगर आपको वीडियो में ना पता चलो ये मेरे बालों का कलर है अब, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा तो उस तरह का कोई खास मुझे मसला आया नहीं अभी तक। बाल अभी तक तो खराब नहीं हुए, इधर सॉफ्ट एंड कोई उस तरह से मसला नहीं हुआ, बट अगर आगे मसला हो जाएगा तो आई अपडेट यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड एंड बेयरिंग विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर एक्सपीरियंसेस इफ यू हैव एवर डाइड योर हेयर, एंड या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज थिन ब्राउन गर्ल, एंड सी यू हेयर नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।